आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आज जो रेलवे कमेटी के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, कई सारे देश भर के सांसद और पूरी कमेटी के लोग आज दार्जिलिंग आए हुए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा उनका स्वागत करना था, तो मुझे देरी हुआ। एनीवे, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और मैं सीधे गृह मंत्री जी का जो पश्चिम बंगाल का भ्रमण है उस विषय पे आता हूं। आप सबकी जानकारी के लिए कि गृह मंत्री जी का जो पहले 3 दिन का दौरा था वो 2 दिन का हो गया है। कल सवेरे वो कलकत्ता लैंड करेंगे और उसके बाद जो है 24 परगना जिले में उनका एक सरकारी कार्यक्रम है और उसके पश्चात वो जो है 3 और 3:30 बजे के बीच में किसी भी समय जो है वो बागडोगरा एयरपोर्ट लैंड करेंगे। और जैसे ही सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जिले में उनका आगमन होगा, उसके पश्चात सिलीगुड़ी के सभी कार्यकर्ता और सभी नेतृत्वों का ये इच्छा है कि उनका जो है बागडोगरा एयरपोर्ट में एक भव्य स्वागत का कार्यक्रम होगा। और उस बीच में राजवंशी, आदिवासी, गोरखा, बंगाली समाज के लोग और अपने वेशभूषा ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि एक जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ उनका स्वागत बंधन हो और उसके बाद सीधा जो है गृह मंत्री जी का काफिला दार्जिलिंग मोड़ तेंजिंग नोर्गे जी नोर्गे शेरपा जी का जो प्रतिमा है वहाँ पहुँचेगा। वहाँ पे उनको मालार्पण किया जाएगा और वो सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात फिर जो है आगे आकर के कौन सा नौका घाट जिसको हम बोलते हैं सामने, तो ठाकुर पंचानन वर्मा जी जो राजवंशी समाज के जिनको हम सब लोग भगवान मानते हैं, उनके प्रतिमा पे माल्यार्पण का कार्यक्रम है, वो भी कार्यक्रम 10 मिनट का है। उसके पश्चात जो है सीधे 4:30 बजे से पहले पहले तक जो है इसी स्थल पे जहाँ पे हम सब लोग मौजूद है, ये NGP रेलवे स्टेशन के पास रेलवे का ग्राउंड है, यहाँ पे वो जन संबोधन करेंगे। और हमारा ऐसा मानना है कि 50,000 से ज़्यादा जो है विशेष करके सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और आसपास के ज़िले के कार्यकर्ता और जो है जन समर्थक रहेंगे। और मुझे लगता है ये यात्रा 2021 के चुनाव के बाद अपने आप में ये ऐतिहासिक होगा। और मुझे कई सारे प्रेस के मित्रों ने ये मुझे पूछा कि आखिर जो है गृह मंत्री जी का बंगाल में भ्रमण क्यों आ रहे हैं। और आप सबके मन में भी ये सवाल जरूर होगा, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं और भारत के गृह मंत्री देश के किसी भी कोने में वो जा सकते हैं, आ सकते हैं और जो है इसका अधिकार भारत के तमाम सभी नागरिकों के भी है और उनको भी ये अधिकार है। लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतृत्व गण हम ये अपेक्षा जरूर रखते हैं और हम सब ये भी जानते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में जो अराजकता फैली हुई है, पश्चिम बंगाल में जो आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पश्चिम बंगाल में आज एक ही MSME फल फूल रही है, वो है बम बारूद और बंदूक बनाने की MSME। और जो है आज आप देखेंगे आए दिन जो है लोगों की हत्याएं हो रही है,
और ये जो मर्डर टेरर का जो एक वातावरण बना हुआ है और हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार और रेप हो रहा है, और ये जो पुण्य भूमि सुभाष चंद्र बोस की भूमि, स्वामी विवेकानंद जी की भूमि, चैतन्य महाप्रभु जी की भूमि, इस पवित्र भूमि को कलंकित करने का काम टीएमसी और ममता दीदी की सरकार ने किया है। और हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये यात्रा पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता बहुत अपेक्षा के साथ गृह मंत्री जी का स्वागत करेगी कि हम सब मिलकर के बंगाल को बचाना है और उस अन्याय अत्याचार और ये जो टेरर मर्डर करप्शन की जो सरकार है उसके लिए ये एक चेतावनी भी होगी। और विशेष करके इस दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी चिकन नेक रीजन में हम सब जानते हैं किस तरह से यहाँ का भूगोल और इतिहास बदल के रखा हुआ है, और हमें बड़े कष्ट के साथ यह कहना पड़ता है कि पता नहीं आने वाले समय में हम दिवाली या जो है दुर्गा पूजा मना भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। इस तरह का भूगोल जो है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स टीएमसी के कारण हो रही है, और हम सब आशावादी हैं कि और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि गृह मंत्री जी ही वो व्यक्ति है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे पश्चिम बंगाल की जो समस्याएं हैं जो टीएमसी के कारण उत्पन्न हुई है अगर उसका कोई समाधान है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। मुझे इतना ही कहना था, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए बागडोगरा एयरपोर्ट से लेकर के जो आगे हाईवे टी पॉइंट तक है करीब 700-800 मीटर का जो एरिया है उसके अंदर में उसको आप रैली नहीं कह सकते, उनकी गाड़ी धीरे चलेगी और वहाँ पे जो है उनका जो है स्वागत का कार्यक्रम होगा, फिर उसके पश्चात वो अपनी नॉर्मल गाड़ी में बैठ करके और सीधा दार्जिलिंग मोड़ पहुँचेंगे। कोई रथ का व्यवस्था किया गया है? रथ की व्यवस्था अभी हम वो भी हमारे पास अल्टरनेट व्यवस्था है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ हमको वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कितना अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। बट कुल मिला के ये है कि हमारे सिलीगुड़ी के जो भी यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उनको रिसीव करने जाएंगे उन सब से जो है मतलब गृह मंत्री जी के साथ मिलने का उन सबको सौभाग्य मिलेगा। दादा वैसे आपने कहा कि पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए यही अच्छा टाइम है, अभी इसीलिए वो आ रहे हैं, किस तरह से कोई रणनीति तैयार किया है आपने नॉर्थ स्पेशली नॉर्थ बंगाल के लिए? उनको कोई कुछ सौंपा जाएगा, कोई रिपोर्ट या कुछ जिससे उनको नॉर्थ बंगाल के बारे में और भी कुछ पता चले? देखिए भारत देश के गृह मंत्री हैं और मुझे जितनी जानकारी है उससे कई कई अधिक और पूरे देश की जानकारी उनके पास है, और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे दार्जिलिंग जिले में विशेष करके छोटे से छोटे गांव में भी कोई घटना घटती है तो उसकी भी रिपोर्ट गृह मंत्रालय तक पहुँचती है। ये मैं उस बात का साक्षी हूँ, मैं कोई घटना उदाहरण के तौर पर तो नहीं बताऊँगा लेकिन उस बात का मैं साक्षी हूँ। इसीलिए हमसे बेहतर वो समझते हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो या जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने समय समय पर जो भी जानकारी ऊपर रखनी होती है वो सरकार में भी और पार्टी में भी रखते आए हैं, उनके पास पूरी रिपोर्ट है और ये बात आज किसी से छुपी हुई नहीं है कि जो पश्चिम बंगाल का जो शासन है जो लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे कोई शासन है ही नहीं, जो शासक है उसी का शासन चलता है, ये तथ्य प्रमाणित है और जग जाहिर है। हम ये मान के चलते हैं ये शंखनाद होगा, ये बिगुल होगा और टीएमसी को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। आए दिन जिस तरह से लोगों की हत्याएं, पेड़ों में लटका देना, माँ बहन के साथ जो है रेप करना और विशेष करके नॉर्थ बंगाल के युवाओं के साथ अन्याय अत्याचार करना, कोई विकास के काम मत करना, 15% जमीन नॉर्थ बंगाल के चाय बगान के मालिक को देना, 5% से कम जमीन में जो हमारे लेबर 200 साल से काम कर रहे हैं उनको जमीन नहीं मिलना, मिनिमम वेज एक्ट केंद्र सरकार पारित कर देती है उसको लागू नहीं करना, एफआरए 1/2006 को लागू नहीं करना, शिक्षा में भ्रष्टाचार करना, जो अनपढ़ गवाह टीएमसी के चमचे हैं उनको अपॉइंटमेंट देना,
और यहाँ तक कि एम्स बनाने के लिए जो स्वीकृति नॉर्थ बंगाल में मिली थी उसको भी उठा के कल्याणी साउथ बंगाल ले गए। ये इतना अन्याय अत्याचार लगातार। और मैं आपको एक बात और कहूँ, नॉर्थ बंगाल अपने आप में सक्षम है, अपने आप में पैर में खड़ा हो सकता है, हम इतना रेवेन्यू टैक्स इतना कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्थ बंगाल को एक गरीब क्षेत्र बना के रखा है और जानबूझ के, जिसके कारण जो है, क्योंकि एक बात प्रमाणित है कि चाहे वो राजवंशी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गोरखा हो, चाहे हिंदी भाषी हो, उसको न तो टीएमसी न ममता दीदी ये कतई पसंद नहीं करते। इस वजह से जो है इस नॉर्थ बंगाल क्षेत्र में ज्यादा अन्याय अत्याचार आज हो रहा है। लगातार आप और भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, अन्याय हो रही है, रेप हो रहे हैं, यहाँ कानून नहीं है, तो ऐसे में केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, ये मेरे पे छोड़, मेरी टिप्पणी छोड़ दीजिए, महिला आयोग ये बात कह रही है, हाईकोर्ट ये बात कह रहा है, यहाँ तक कि सीबीआई इस बात की जांच कर रही है। आज हाईकोर्ट के अंदर में आप देखिए सुनवाई नहीं हो पाती, टीएमसी के गुंडे हाईकोर्ट के अंदर तक भी घुस गए हैं और हाईकोर्ट को हर एक केस को आज सीबीआई को सौंपना पड़ रहा है, ये वास्तविकता है। और मैं मीडिया के से भी ये निवेदन करता हूँ, मीडिया बिंग है, मीडिया हमारी भी जवाबदेही है समाज के प्रति, देश के प्रति, पश्चिम बंगाल के प्रति, कि जो सच है उसको दिखाएं और किसी एक पार्टी विशेष की मीडिया बन के हम ना रहे। और ये अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, जितना हमें कष्ट है उतना मीडिया को भी होना चाहिए और होता भी है, लेकिन फिर भी हम इनकी डर की वजह से ऐसी बहुत सारी चीजें दिखा नहीं पाते। मुझे लगता है हम सबको भी आंखें खोलने की आवश्यकता है। कल गृह मंत्री जी के अलावा जो है हमारे पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन शुभेंदु दा, दिलीप दा और हमारे नॉर्थ बंगाल के सारे सांसद, विधायक और सभी जिला के हमारे जिला अध्यक्ष और बाकी जो भी प्रतिनिधि हैं, संजय जी अभी दो दिन पहले से ही डेरा डाल के बैठे हुए हैं और बाकी सब कार्यकर्ता और वरिष्ठ जितने भी नेतृत्वगण हैं वो सब भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। और मुझे लगता है रात्रि विश्राम भी गृह मंत्री जी का सिलीगुड़ी में होगा और बहुत सारी अलग अलग तरह की मीटिंग्स रात को भी जो है उन्होंने तय की है, वो धीरे धीरे उसका जो है आपको पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।